आंदोलनरत है, मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। मेरा सपना था कि आप लोग एक दिन सत्ता में आओ, आप लोग आ गए, लेकिन इसके लिए तो हमने सपना नहीं देखा था। इसके लिए तो हमने अनगिनत झूठे मुकदमे सहन नहीं किए, इसलिए हमने अपनी बर्बादी नहीं सहन की। हम भी पाकिस्तान से आए थे देश विभाजन के समय, मेरे पूर्वजों को 5 किले जमीन मिली थी गुड़गांव में, उन्होंने नहीं ली, उनके सारे भाई गदर में मारे गए थे। मैं नहीं चाहता कि और किसी घर में ऐसा गदर हो। प्लीज आप मेरी भावना समझिए नरेंद्र भाई, आपने कोई बलिदान नहीं दिया देश के लिए, आपके घर से कोई मरा नहीं है। जिनके घरों में लाशें बिछती है ना, वो उस दर्द को जानते हैं। तो इस दर्द को समझिए नरेंद्र बाबू, इसमें आपका, मेरा, समाज का, देश का, मानवता का हित निहित है। आप भूल गए अपने धर्म को। राजनीति में शुचिता लाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे को फेसबुक पे लोग बहुत गालियाँ देते हैं, सारे साधु लोग मेरे से बहुत लड़ रहे हैं कि तुम देश के गद्दार हो गए हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन जाति के हो नरेंद्र भाई? अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं देश को बांट रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात नरेंद्र बाबू, समझ रहे हो ना? ना मैं हिंदू बनूँ ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो, यही सपना लेके आए थे ना आप। उस सपने को आकार दो ना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। 2024 में चुनाव है, 48 घंटे में रोजनाम तो बंद हो जाता है, पुलिस आपकी है, ये सारा देश आपका, सारा देश आपसे प्यार करता है, क्यों नफरत के बीज बो रहे हो आप? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त नरेंद्र बाबू, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इसके खिलाफ मैं जानता हूँ ये देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास 303 लोग, लेकिन उस कायनात की शक्ति को आप जानते हैं ना? आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई, बोल दूँ मीडिया पर? लार टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना? ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? अरे अच्छे इंसान बन के मरना, दुनिया रोए, हंसते हंसते जाइएगा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे मरोगे लाल टपकाते टपकाते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। उसके निदेशक कौन थे? आडवाणी जी, और आप उसके मार्केटिंग हेड थे, याद है ना? उसी रथ पे खड़े होकर चिल्लाते थे आप। मुझे तो एक एक दृश्य याद है, मुझे वो भी याद है 25 जून 1975 की रात, दरमियानी रात, जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और आप आदिपुर भाग गए थे। मुझे एक एक दृश्य याद है नरेंद्र बाबू, मैं भूला नहीं हूँ, इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्त, ये समय फिर नहीं आएगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था, कितने आ रहे कितने चले गए। वो डोवाल कह रहा था, अजीत बाबू क्या नाम है उसका तुम्हारा एनएसए वाला, क्या कह रहा था वो? इतिहास लिख रहे हो आप, ये इतिहास शक्ति से लिखा जाता है। आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू, ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। महात्मा गांधी, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों नरेंद्र खड़े हो जाए ना एक पलड़े पे, महात्मा गांधी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। पता है क्यों? अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था, कितना भी अपमान किया। वो बैरिस्टर थे, तुम कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है, वो बैरिस्टर थे, सारे कपड़े उतार कर तन पे लंगोटी लगाई और निकल पड़े देश के लिए। आज अगर इस तरह दंगे हो रहे होते ना, तो मैदान में आ जाते और खड़े हो जाते सामने। वो एक शख्स था जो भारत में खड़ा होकर मुसलमानों की पैरवी कर सकता था, और पाकिस्तान में खड़ा होकर हिंदुओं की पैरवी कर सकता, इसलिए महात्मा गांधी कहलाया। आप नहीं बन सकते इतिहास पुरुष, कूड़ेदान में फेंक दिए जाओ, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो दोस्त, आज नहीं तो कल। इस समय आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी आत्मावलोकन का समय है। जय हिंद, जय भारत।